सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस आप लोग के राजन सीरीज के हैं, पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूं। और इस वीडियो के साथ ही आपके सारे के सारे विषयों के राजन सीरीज की वीडियोस, पवन सीरीज की वीडियोस कंप्लीट हो जा रही हैं, तो आप सारे विषयों को देख लीजिए। इसके अलावा सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक विषय की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आसानी से आप सारे के सारे क्लासेस को भी देख सकते हैं, मास्टर क्लास को भी देख सकते हैं और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और हर एक विषय की राजन सीरीज और पवन सीरीज को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से, और सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करिए, हम आपको उस वीडियो को आपके कमेंट के नीचे ही उसका लिंक शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, सरल मशीन के प्रकार बताइए। तो सरल मशीन निम्न प्रकार की होती है, उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुकातल, पहिया और धुरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, घिरनी क्या है। तो घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं दोस्तों, घिरनी आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर आपने रियल में देखा है तो आपने उसकी फोटो तो देखी ही होगी, क्योंकि रियल में अब बहुत जगह पर कुएं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कुओं पर ये लगे हुए होते थे जिससे पानी निकालने में आसानी होती थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। ऑलरेडी मैंने क्लासेस में बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को पूरे के पूरे ट्रिक के माध्यम से बताया है सारे के सारे विटामिन्स के वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। देखिए, कैल्सिफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इससे होता है सूखा रोग या रिकेटस, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, और त्वचा को गोरा बनाने के लिए, त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए, खाद्य पदार्थ में खमीर के लिए, केक के लिए, ब्लीचिंग एजेंट के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। खाने की वस्तुओं में हम इसको क्या करते हैं, डाल देते हैं, जिससे वो वस्तु फूली हुई में प्राप्त होती है, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, जल में घुलनशील और विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम। बहुत ही आसान है, जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन सी और विटामिन बी, विटामिन बी विटामिन सी आते हैं पहले, तो आप ये याद रखिए। और विटामिन बी को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, B1 में, B2 में, B3 में, B5 में, B6 में, B7 में, B9 में और B12 में। तो विटामिन बी और सी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि KEDA जो कीड़ा होता है वो पानी में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये दोनों जल में, ये चारों के चारों विटामिन जल में नहीं बल्कि वसा में घुलनशील हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन KEDA ये वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी सी जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है। तो जब घड़ी में हम चाबी भरते हैं, चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा एकत्रित होती है। दोस्तों, यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा गया है और अतिलघुत्तरी में भी देखिए पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा एकत्रित होती है जो फिर बाद में गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जन फेफड़े, गुर्दों और त्वचा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, W = F×D। 1 न्यूटन का बल लगाने पर अगर वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कार्य कहेंगे, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। और ऑलरेडी सभी के एग्जाम्पल्स मैं अच्छे से आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्रथम श्रेणी में दोस्तों कैंची आ जाएगा, इसके अलावा कैंची के अलावा आ जाएगा पिलास और कील उखाड़ने की जो मशीन होती है और साइकिल का जो ब्रेक होता है वो भी आ जाएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में दोस्तों सरौता आता है, इसके अलावा कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है, कूड़ा गाड़ी, वो भी आ जाएगी। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा, किसान का हल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा गया। तो विटामिन को निम्न प्रकारों में बांटा गया है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के।
तो ए से लेकर के ई तक लाइन से है, बस के आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, तो कौन सा है? दूध। क्वेश्चन नंबर 62 है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो 1.5 से लेकर के 2 लीटर तक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। यानी कि अगर भोजन सही से नहीं मिलता है तो हमें पोषण भी सही से नहीं मिलता है, और अपर्याप्त पोषण ही कुपोषण का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, गेंगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से गेंगा नामक रोग होता है, जहां पर गले की जो ग्रंथियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं और गले का जो साइज है वो कैसा दिखने लगता है? बड़ा दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? इसका मतलब है कि भोजन को हम किस तरीके से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। परिरक्षण का मतलब यही होता है, तो अंतराल से उबालना और उसको ठंडा करना, जैसे कि हम दूध के साथ करते हैं, जो पैकेट वाला दूध घरों में आता है, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना रसायनों द्वारा या डिब्बा बंदी करके। खासकर अचार देखते हो आप, 2 साल 3 साल 4 साल तक लोग खाते हैं बनाया हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम भोजन का क्या करते हैं, सुरक्षा या उसका परिरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुछ संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिश, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर, खांसी, टिटनेस आदि। क्वेश्चन नंबर 68 है, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? तो दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा दूषित जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, चाहे वो चेचक हो, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो कुकर खांसी हो, चाहे हैजा हो, ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को होता है, चाहे टीबी हो। क्वेश्चन नंबर 70 है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है, जब पौधों के वर्धी भाग जैसे कि जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है, तो इसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, संचारी रोग किसे कहते हैं? वह रोग जिसके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, तो इन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। इसीलिए स्कूलों में संचारी रोग सप्ताह मनाया जाता है और बच्चों को इसके लिए जागरूक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के? तो संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। क्वेश्चन नंबर 73 है, परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का जो आवेश होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, परमाणु संख्या क्या होती है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है, वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। यानी कि जो परमाणु संख्या होती है यह प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है, इसे हम प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। तो आजकल इसे हम आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार बराबर तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटे सीटल परमाणु का भार बटे 12। क्वेश्चन नंबर 76 है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 × 10^27 किलोग्राम के तुल्य है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोष कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता, क्वेश्चन नंबर 77 ने पूछा है कि संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे हम यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि सिरका है, पीतल है आदि। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही क्या होता है प्रतीक। जैसे कि चांदी को हम
एजी से डिनोट करते हैं, सोने को एयू से डिनोट करते हैं, कार्बन को सी से, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 81 है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये निम्न प्रकार के होते हैं, तीव्र एवं मंद परिवर्तन, अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 82 है, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कुंड बनाता है? तो आयताकार। क्वेश्चन नंबर 83 है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी निम्न तीन अवस्थाएं होती है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, यहाँ पर सनलाइट रहेगा या सूर्य का प्रकाश रहेगा इस अभिक्रिया में। तो जब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वो अपने लिए भोजन बनाते हैं और वो ऑक्सीजन भी देते हैं और H2O भी। के बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, जांघ की हड्डी का नाम क्या है? तो जांघ की हड्डी का नाम फीमर है और फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, याद रखिएगा। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है, 4Na प्लस O2 मिलकर के क्या बनेगा? तो 4Na प्लस O2 2Na2O बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ पर देखिए सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। दोस्तों जो सोडियम होता है, जब ये ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है, तो ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये समीकरण आपका कंप्लीट हो गया कि अगर सोडियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए x कोई तत्व है, उसका यहाँ पर देखिए जो z है यह परमाणु संख्या है और जो यहाँ पर a दर्शाया गया है ये परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, और x क्या है, तत्व है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये प्रबल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, तो सोडियम और जल बना यहाँ पर, ठीक है, यानी कि लवण यानी कि नमक और जल बनता है, याद रखिएगा। 2016 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना। क्वेश्चन नंबर 90 है, वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो जाता है, चाल बराबर मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाता है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? फसल चक्र किसे कहते हैं? किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। यानी कि एक फसल बोने के बाद दोबारा हम वही फसल नहीं बोएंगे बल्कि उसकी जगह पर कोई और फसल बोएंगे। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस प्रकार इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, तृतीय प्रकार के उत्तोलकों के कोई दो एग्जाम्पल लिखिए, तो चिमटा और चाकू। क्वेश्चन नंबर 94 है, सिरके का रासायनिक फॉर्मूला लिखिए, तो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है, मेस्टन हल। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो जो नवीकरणीय साधन है उनमें वे संसाधन आते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
बायोगैस ये सब आता है, और अनवीकरणीय में असीमित आते हैं जो कभी भी भविष्य में खत्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, एलपीजी गैस हुआ, ठीक है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, कोयला हुआ। तो नवीकरणीय संपदा वह संपदा जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी और जो अनवीकरणीय है वो भविष्य में समाप्त हो जाएगी। 2016 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, वसा में घुलनशील दो विटामिनों के नाम लिखिए। तो विटामिन ए डी ई के, यानी कि कीड़ा, कीड़ा जल में नहीं घुलता है, तो कीड़ा कहाँ घुलेगा? वसा में घुलेगा। बस आप ये याद रखिएगा तो आपको नहीं भूलेगा। अगर आप ये याद रखते हो कि कीड़ा जल में नहीं घुलेगा तो कीड़ा घुलेगा किस में? वसा में घुलेगा, तो आपको नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, टीकाकरण क्या है लिखिए। तो उपयुक्त समय पर रोग जनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को बीसीजी का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तथा दूसरी बार 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। यानी कि ये जो टीकाकरण वैक्सीनेशन होता है, इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो इस रोग को वो घुसने नहीं देती है। अगर हमने इस रोग का टीका लगवा लिया, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो बीसीजी का टीका हो, चाहे वो खसरे के लिए हो, चाहे डिप्थीरिया के लिए हो, बीसीजी का टीका इसीलिए होता है, तो इससे क्या होगी, हमारे शरीर की रक्षा होगी, कभी भी हमें ये बीमारी नहीं होगी जब इसका टीका हमें लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सरल मशीन कितने प्रकार की? तो सरल मशीन जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया और धुरी। क्वेश्चन नंबर 100 है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? तो बुध ग्रह होता है, देखिए 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है, याद रखिएगा, ये भी 17 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कांटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो मैल, पिघियन, निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां होती हैं, 2017 में पूछा गया है। इसके बाद देखिए, किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा। तो देखिए, अम्ल में HNO3, H2SO4, HCl जो कि प्रबल अम्ल होता है, क्षार में प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 104 है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता 3 है, +3 है, 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्कूलों में इसको हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 107 है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग हैं? तो 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, मेरिस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मेरिस्मस रोग विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेटस या सूखा रोग भी हम कहते हैं, याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कास्टिक सोडा और खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक फॉर्मूला यहाँ पर पूछा। तो देखिए, जो कास्टिक सोडा होता है वो NaOH होता है और जो खाने का सोडा होता है वो NaHCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए? तो मैलेथियन। क्वेश्चन नंबर 111 है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 112 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे अतिलघुत्री क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया। तो आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज के हर विषय की वीडियोस कंप्लीट बना दी गई हैं, तो आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में हर विषय के मास्टर क्लास की भी लिंक मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप सारे के सारे वीडियोस को हमारे देखें। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से सही बने रहिए, और आपके लिए हम रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, खासकर मास्टर क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो। जय दोस्तों।